हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल शमाज किचन एंड ब्लॉग्स यस कैसे आप सारे लोग डू लेट द कमेंट सेक्शन और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गई ये रेसिपी जो कि है दोबार से पनीर देसी स्टाइल पनीर हम बनाने वाले हैं आज मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि ये रेसिपी बहुत ज़्यादा क्रीमी है या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सी है नहीं बहुत ही देसी स्टाइल ढाबा स्टाइल पनीर हम बनाएंगे जिसमें आपको अच्छे से तेल की तैर ऐसे तैरता हुआ तेल दिखेगा मसाला एकदम चटपटा सा होगा राइट सो बहुत ज़्यादा बातें होगी लेट्स स्टार्ट द रेसिपी सो मटर की देसी स्टाइल ढाबा धा, स्टाइल सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाला है घी ठीक है और घी मैं हंस रही हूँ यार ये वॉइस ओवर देते मैं आई नो बहुत सारे कमेंट आएंगे क्षमा क्या तुम ऑफिशियली प्रोफेशनल तो बिल्कुल भी नहीं हो आई एम लाइक दिस ओनली प्लीज क्या कर सकते हैं सो यस घी में हम पनीर को फ्राई कर रहे हैं जब देसी की बात आती है देसी मतलब दादी नानी मम्मी ठीक है वो बोलते थे मम्मी मुझसे बोलते थे कि पनीर को फ्राई नहीं किया तो वो देसी कैसे हुआ अपना पन कैसे आया तो इसीलिए भाई उस चीज़ को बिल्कुल फॉलो करते हुए पनीर को फ्राई कर लिया है गर्म पानी में डिप कर देंगे जिससे कि पनीर ड्राई ना हो कढ़ाई में अच्छे से अमाउंट में ऑयल ले लिया है जीरा गरम मसाला हींग डाल करके लहसुन एंड मिर्ची मैंने इसमें डाल दी है कुछ तीन या चार कलियां हैं लहसुन की दो मिर्ची आप कम ज़्यादा कर सकते हो उसके बाद लगभग एक लार्ज मैंने ये एक मीडियम के हिसाब से मीडियम से थोड़ी सी ज्यादा है बेसिकली बारीक कटी हुई प्याज ली है और दालचीनी मैंने यहाँ पर डाली है वो मैं भूल गई थी गर्म मसाले में और इसको ट्रांसलूसेंट होने तक हम पका लेंगे देन मसाले डाल देंगे मसाले में धनिया डाला है हल्दी हल्दी डाली है सॉल्ट टू टेस्ट डालेंगे एंड डालेंगे म, आ, मिर्ची तो मैं पेपरिका यूज़ कर रही हूँ आप तीखी मिर्च जो होती है देगी वो भी डाल सकते हो यही चार बेसिक मसाले होते हैं हमारे देसी खाने में इसके अलावा और कोई मसाला नहीं होता ठीक है डालने को आप सब्ज़ी मसाला वगैरह फिर डाल सकते हो बट देसी की बात चल रही है भाई राइट उसके बाद टमाटर की मैं आप प्यूरे डाल रही हूँ उसके दो रीज़न है आप काट के भी डाल सकते हो बट जब आप प्यूरे बना करके डालोगे तो होगा ये कि आपकी सब्ज़ी में पनीर अलग प्याज अलग टमाटर अलग और पानी अलग नहीं चार डायरेक्शन नहीं होंगी एक डायरेक्शन में आपकी सब्जी रहेगी इसलिए क्योंकि जो प्यूरे डालोगे ना तो वो ग्रेवी को बांध करके रखेगी ठीक है इसको अच्छी तरीके से भुनने देंगे एंटिल आप देखो कि जो ऑयल है वो सेपरेट नहीं हो गया है मसाले से उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे फॉर अ ग्रेवी कंसिस्टेंसी आप रख सकते हो जैसी भी आपको चाहिए हो ठीक है प्याज का आप प्यूरे बना सकते थे बट वो इतना देसी स्टाइल नहीं आता उसके लिए मैंने उसको बारीक किया हुआ है आप उसको भी चाहो तो प्यूरे कर सकते हो ईजी अगर आपको बनाना है तो मैंने उसी जार में जिसमें टमाटर पीसा था उसी में हल्का पानी डाल दिया जिससे कि बिल्कुल भी प्रोडक्ट मसाला वेस्ट ना हो ठीक है और बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है अब साथ में ही मैं इसमें पनीर डाल दूँगी एंड पूरी प्रोसेस आपकी पनीर की सब्ज़ी जब तक बनेगी मीडियम फ्लेम पर ही आपको सब्जी को पकाना है जल्दी जल्दी में बनाएंगे तो टेस्ट नहीं आएगा ट्राई करें कि बर्तन का जो बेस है वो हैवी हो एंड बस ये उबलने लगा अच्छे तरीके से ठीक है और इसके बाद आपको बस इसको उबालना है और कुछ नहीं डालना है धनिया डाल दें ऊपर से ठीक है और कंसिस्टेंसी कम ज़्यादा अगेन जैसा आपको मर्जी आए वैसे आप रखें और ये बहुत ही पाँच या सात दस मिनट मैक्स टू मैक्स लेती है सब्जी बनने में एंड टेस्ट वेरी नाइस दाल तो, सॉरी राइस नान रोटी पराठा जिसके साथ खानी हो यू कैन हैव ऊपर से हल्का सा घी और डाल रही हूँ है ना देसी स्टाइल की पहचान एंड ये इसी इसी मजाक के साथ में ये वॉइस ओवर भी कंप्लीट हुआ एंड रेसिपी भी बन गई है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू ट्राई दिस रेसिपी एंड मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो नॉट फोर्स बट अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली फ्रेंड्स आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन टिल देन बाय टेक केयर स्टे हैप्पी